अब जो हुआ उसे छोड़ो, जाने दो, जो होने वाला उसे भगवान की इच्छा पे छोड़ दो। इतना कह करके पवन रेखा जो है वो आज गर्भ धारण किए है, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। पवन रेखा के गर्भ के जब 9 मास पूरे हुए तो महाराज ध्यान रखना, आज पवन रेखा के गर्भ से बालक ने जन्म लिया, और जब बालक का जन्म हुआ तो आंधी तूफान आने लगे, बिजली कड़कने लगी, महाराज ध्यान रखना, आज जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ आंधी तूफान आए, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे, लेकिन लेकिन बड़ा होकर के बहुत बड़ा पापी होगा, धर्मी होगा, अत्याचारी होगा, संत महात्माओं को खूब सताएगा, गायों की हत्या करेगा, ब्राह्मणों की हत्या करेगा, इसीलिए इसका नाम रख रहे हैं कंस। और जब ये मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। इतना कह करके गर्गाचार्य वहां से चले गए। कंस राज जो है वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। कंस जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो कंस परीक्षित जी बच्चों को परेशान करने लगा। किसी बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है तो वृक्ष से नीचे डाल देता, किसी को जल में डाल देता, किसी के साथ कुछ करता, किसी के साथ कुछ करता, ऐसे अधर्म करते करते कंस सयाना हो गया। जब कंस सयाना हुआ तो होने के बाद में महाराज जब तो कंस संत महात्माओं को भी परेशान करने लगा, संत महात्माओं को यह भवन नहीं करने देता, परेशान करता, कोई समाधि लगा करके बैठ जाते तो उनकी तपस्या को भंग कर देता। अब पत्थरवासी कंस के उत्पात से परेशान हो गए, उग्रसेन के पास शिकायत आने लगी, महाराज तुम्हारा लड़का बहुत बिगड़ गया है। अब जब राजा का ही लड़का बिगड़ा हुआ होगा तो फिर प्रजा क्या करेगी, अपने बच्चे को संभालो, उसको सुधारो। उग्रसेन ने एक बार कंस को अपने पास बुलाया, पास में बुला करके उग्रसेन ने कंस से कहा, कंसराज बोले हाँ, अधर्म क्यों करते हो, पाप क्यों करते हो, तुम्हें नहीं पता है तुम राजा के लड़का हो, बड़े होकर के तुम राजा के लड़का होकर के पाप कर रहे हो। तो उग्रसेन ने जैसे ही कंस से पूछा कि तुम पाप क्यों करते हो तो कंस ने जवाब दिया, बाबा तुम्हें पता जो है प्रजा, और प्रजा को जितना दबा करके रखो उतना ही ठीक है, और प्रजा के लिए अगर तुम ज्यादा ही भावुक हो तो फिर प्रजा सर पर चढ़ के बोले तो प्रजा को दबा के ही रखो। उग्रसेन बोले, सुन तू अभी बालक है, नादान है, ये उत्पात करना छोड़ दे, प्रजा पर इसका गलत फर्क पड़ेगा। कंस कहने लगा, बाबा बुढ़ापे पर तुम्हारी बुद्धि हुई है खराब, सो करो तुम अब हम तुम्हें तुम हमें अब अपना राज्यपाट दे दो, तुम करो आराम। किन्ने कही भैया, किन्ने कही हैं बुआ, तो
तो तुम मूड घूम लाती हो तुम की सुनो, कंस ने उग्रसेन से कहा कि बाबा तुम मुझे अपना मथुरा का शासन दे दो और अब तुम आराम करो, तुमने शासन बहुत कर लो, तुम्हें आराम करवे के दिन आए गए। उग्रसेन कहने लगे कंस राज अगर तू राजा नहीं तब तो तू इतने पाप कर रहे हो और राजा बन जाए तब तू पता नहीं क्या क्या करे, तो हम तो राज्य नहीं देंगे। कंस कहने लगा राज्य दो तो दो अच्छी तरह ना तो जबरदस्ती हम ले जाना। तो उग्रसेन ने बहुत मना किया, कंस ने एक भी बात नहीं मानी। उसी समय महाराज कंस ने उग्रसेन की भुजा को पकड़ा, जमीन पर पटक दिया और जमीन पर पटक करके उनका मुकुट उतार के अपने सिर पर रख दिया और महाराज राजगद्दी पर बैठ गया और राजगद्दी पर बैठ करके मंत्रियों से कहा मंत्री हाँ महाराज सुना सुनाओ अब तुम्हारे महाराज को है हम तुम कब आ गई थे और जे पिताश्री पिताश्री को जेल में डाल दे अबे तुरंत ओ खत्म ही कर दे तो अरे घर के पापा हैं मम्मी मार पता है इनके इनके राज में बहुत दुखी रहे महाराज काय पूरी प्रजा ना पूछ लियो काय आपके राज में दूध तो मिले है इनके चायू नहीं मिलती चायू नहीं मिला ना महाराज अरे भैया तो फिर जेल में डालो तुरंत देरी ना कर दे महाराज लत्ती में बोझ ना डाल दे महाराज जेल में तरस लगी है अब ही खत्म ही कर दे ना खत्म ना करो फिर पापा किन तक कहिए बोले गोविंद भगवान की महाराज कंस ने जवाब दिया मेरे पाप को पकड़ करके ले जाओ जेल में डाल दो। मंत्रियों ने डर की वजह से पकड़ा उग्रसेन को जेल में डाल दिया। कंस मथुरा का राजा बना, नए नए कानून बनाने लगा। महाराज ध्यान रखना आज कंस जो है मथुरा का नया राजा बना तो नए नए कानून बनाने लगा। अब तो कंस ने पूरी मथुरा नगरी में ऐलान कर दिया सुनो आज से अगर किसी का कोई भगवान है तो वो है मैं, आज से अगर कोई पूजा करेगा तो वो मेरी करेगा, आज से जो मैं कहूंगा सब प्रजा को वही करना पड़ेगा। अब प्रजा के लोग बड़े परेशान हो गए। कंस संत महात्माओं को पकड़ करके जेल में डालने लगा, गायों महाराज गौशालाओं में गाय कटने लगी, पाठशालाओं में पढ़ाई बंद हो गई, मंदिरों में पूजा बंद हो गई। संत महात्मा जेल में पहुंच गए, पृथ्वी कंस के पापों से दबने लगी। अब तो एक दिन कंस ने सभा लगाई और कंस ने जैसे ही सवाल लगाई तो कंस ने सवाल के लोगों से पूछा भैया महाराज की जय हो जय हो जय हो जय हो। जब बताओ तुम तो कुछ पूछे एक नहीं दो पूछो महाराज दो पूछे जब बताओ मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। दुखी बहुत हते लेकिन अब नहीं है महाराज। काय पहले चाय को दुखी आते महाराज हाँ, रोटी को दुखी आते हाँ, आग, आग, अब केला एला और दूध दूध की व्यवस्था हो जाए महाराज हो जाए हाँ। अच्छा तो अब सुखी हो बहुत ही सुखी सिर्फ एक लोग दुखी है को? जे आपके बगल में बैठे जे दिन भर हम जय देख रात एक घोटन है दिन भर ऐसा करते हैं अब इन्हें पता नहीं का अच्छा तो जो दुखी है बहुत ही दुखी है महाराज बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा सही बताओ तो हम जब कहा तुम थे कि हम अपने राज्य में कोई दुखी नहीं देखो चाहते जे ज्यादा दुखी इनके मारे हम दुखी। अच्छा तो सुनो हम अपने राज्य में कोई दुखी नहीं देखो चाहते तो मैं जो दुखी होगा पकड़ के ले जाओ मैं फांसी पे टांग दो सब दुख दूर कर दे महाराज काय फांसी पे टांगो एक ही अबे तुम कर दे बताओ। अरे तुम तो एक ही बात पकड़ के रही है हां तो महाराज कंस ने जो दुखी थे उनको महाराज फांसी पे टंगवा दिया। जो दुखी आते बेसुखी हुई नन्ने के मारे अब आपस में कन लगे भैया जान बचे तो सब कुछ हुए प्राण नहीं बचे तो कहा है कुछ ना। अब तो महाराज कंस के पास से सब परेशान हो गए। संत महात्मा भगवान की शरण में जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे हे नाथ अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है आप कब अवतार लेकर के आएंगे कब कंस के पापों से मुझे मुक्त कराएंगे। ताली बजा के बोलेंगे सभी लोग Oh
ਕੀਤੀ ਸਾ।